चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने हिमाचल के मेधावी विद्यार्थियों को बेहतर उच्च शिक्षा मुहैया करवाने के उद्देश्य के साथ 2018 में राष्ट्रीय स्कॉलरशिप परीक्षा सीयू टेस्ट के तहत 800 मेरिटोरियस विद्यार्थियों को 100% तक स्कॉलरशिप देने का निर्णय लिया है। धर्मशाला में सीयू के 22 चांसलर डॉक्टर आरएस बावा ने ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर बावा ने बताया कि पोर्टल पर सीयू एससी एसटी के संबंध में पूर्ण जानकारी उपलब्ध रहेगी। उन्होंने बताया कि स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए प्रमुख राज्यों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। डॉक्टर बावा ने बताया कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी द्वारा दमा और डायबिटीज की दवाइयों के खर्च को कम करने के लिए की गई खोज के लिए रिसर्च ग्रुप बनाया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश की छात्रा शिखा ठाकुर व चेतन होंडा ने भाग लेकर इस खोज को सफल बनाकर हिमाचल प्रदेश का नाम देश भर में रोशन किया है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का यहाँ आने का मकसद मुख्य उद्देश्य तो ये था कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इस बार अंडर ग्रेजुएट की जो एडमिशन्स हैं वो पिछले साल की तरह ही ऑनलाइन टेस्ट के जरिए कर रही है, लेकिन उसमें ये एडिशन है कि सभी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की एडमिशन और एमबीए के एडमिशन हम इस टेस्ट के जरिए करेंगे और साथ ही साथ लगभग 10 करोड़ रुपए के जो स्कॉलरशिप हम हर साल देते हैं इसी टेस्ट के आधार पर देंगे। जो बेसिस रहेगा स्कॉलरशिप का वो ये है कि जो टेस्ट हम लेंगे बच्चा जो देगा उसमें अगर उसके 60% अंक आते हैं तो वो क्वालिफाई कर जाएगा। तो जिन बच्चों के भी 60% अंक आ जाएंगे अगर उन वो मेन स्कॉलरशिप के लिए नहीं भी क्वालिफाई करते तो कम से कम 5% छात्रवृत्ति उनको दी जाएगी। आधार यह रहेगा कि जो इस टेस्ट में पहले 1% बच्चे होंगे टॉप के, क्योंकि हम 10% बच्चों को स्कॉलरशिप देने वाले हैं, 8000 के करीब एडमिशन हमें उम्मीद है कि होगी अंडर ग्रेजुएट में और उसमें से 800 बच्चों को हम स्कॉलरशिप देंगे। तो जो टॉप 1% होगा, विच मीन्स जो 80 बच्चे होंगे टॉप के, उनको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा, जिसका अर्थ है कि उनको 100% छात्रवृत्ति होगी और उनके कोई एकेडेमिक फीस नहीं देनी पड़ेगी। जो अगले 2% होंगे उनको 50% छात्रवृत्ति मिलेगी और वो लगभग 160 के करीब बच्चे होंगे और 50% उनको फीस देनी पड़ेगी, 50% नहीं देनी पड़ेगी। अगले 3% को 20% छात्रवृत्ति मिलेगी और उसके बाद 4% को 10% छात्रवृत्ति मिलेगी। दो चीजें और इसमें महत्वपूर्ण है, एक तो ये कि ये जो टेस्ट होगा ये बच्चा जिस विषय में उसने प्लस टू किया है उसी में दे सकता है। तो 4 विषयों में टेस्ट होंगे, एक कॉमर्स में, ह्यूमैनिटीज में, नॉन मेडिकल साइंस में और मेडिकल साइंस में। ये जो टेस्ट है इसके लिए रजिस्ट्रेशन 31 मई तक की जा सकती है और इसकी फीस 500 रूपये होगी, लेकिन रजिस्ट्रेशन की फीस नहीं है। बच्चा अपनी मर्जी का दिन चुन सकता है, सैटरडे और संडे, और मर्जी का समय चुन सकता है, मॉर्निंग या इवनिंग। ये जो छात्रवृत्ति होगी ये पूरी एकेडमिक फीस पे होगी और पूरे कोर्स की अवधि के लिए होगी। अगर इंजीनियरिंग है तो 4 साल के लिए होगी, दूसरे कोर्स से अंडर ग्रेजुएट 3 साल के लिए होगी, एमबीए के लिए 2 साल के लिए होगी, लेकिन शर्त यह रहेगी कि बच्चे को 7.5% ग्रेड मेंटेन करना पड़ेगा और वो फेल नहीं होना चाहिए और डिटेन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मैं ये बताना चाहता हूं कि जो बच्चे हमारे पास पढ़ेंगे उनको नौकरी के और कैंपस प्लेसमेंट के बहुत उम्दा मौके मिलते हैं, क्योंकि मेरे पास इस बार 492 कंपनी आई हैं। जब मेरे पास 360 कंपनी आई तो ये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आया हुआ है। तो इस बार हमारा आईएस पैकेज 31.77 लाख गया है और एवरेज 4.75 लाख है। तो जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी हो अगर बच्चे की जो है सालाना फीस के आधार पे, तो 2 गुना से ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो मैं ये चाहता हूं कि बच्चे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और मीडिया के माध्यम से ज्यादा बच्चे इसका लाभ उठाएं और जिनके प्लस टू में अंक कम है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि हम 60% बेटे जो इस टेस्ट को देंगे 40% प्लस टू के अंकों को देंगे और जिनके प्लस टू में अच्छे मार्क्स हैं वो उनको तो करना ही चाहिए।